दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय हिमाचल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पांवटा साहिब। मंडी में खत्री सभा का साधारण अधिवेशन धूमधाम से मनाया गया। अधिवेशन की अध्यक्षता सभा के प्रधान पीसी विष्ट ने की। इस मौके पर सभा के महासचिव गोपाल कृष्ण कपूर ने गत वर्ष के आय एवं व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। इसके बाद 85 वर्ष की आयु के 19 पुरुष और महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। इस वर्ष जिन मेधावी विद्यार्थियों को बोर्ड की 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं में 85% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, उन्हें भी नकद पुरस्कार और मोमेंटो देकर पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर भारतीय सेना के उच्च अधिकारी मेजर जनरल राकेश कपूर और भारतीय प्रशासनिक सेवा के उच्च अधिकारी दिनेश मल्होत्रा को भी सभा द्वारा शॉल टोपी देकर सम्मानित किया गया। मैं प्रकाश बिष्ट इस खत्री सभा का प्रधान हूँ और हमारा जो उद्देश्य है खत्री सभा का, वो अपने जो लोग हैं खत्री समाज से जुड़े हुए हैं, उनके जो आर्थिक रूप से असहाय हैं उनको सहायता प्रदान करना। इसी कड़ी में हम जो है आजकल 8 परिवारों को वित्तीय सहायता दे रहे हैं और इसके साथ साथ जो ऐसे संस्थाएं हैं जो समाज के कार्य में लगी हुई हैं उनको भी हम वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। आज का जो वार्षिक अधिवेशन है ये बुलाया गया है, इसमें हमने विशेष रूप से 2 ऐसे व्यक्तियों को बुलाया जो जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य किए, नेमली जैसे मेजर जनरल राकेश कपूर जो आजकल डिफेंस में कार्य कर रहे हैं और एडिशनल डायरेक्टर जनरल डिफेंस सर्विसेज में हैं, और उसके साथ साथ मिस्टर जो कि IAS हैं और अपने ही प्रतिभा से उन्होंने कई विभागों में सरकार के विभागों में कार्य किया और एक प्रशंसनीय कार्य उन्होंने किए हुए हैं। उन दोनों को हमें मौका मिला कि हम उनको सम्मानित कर सकें। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। हिमाचल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का पिछले 25 वर्षों से अपनी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य शिक्षा व बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संस्थान में GNM नर्सिंग, बी फार्मा, डी फार्मा, BDS, MDS के साथ साथ MSc बायोटेक्नोलॉजी व माइक्रोबायोलॉजी की शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। डॉक्टर गौरव गुप्ता ने बताया कि निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा व सेवाओं में ग्रुप बेहतरीन कार्य कर रहा है। यहाँ से नर्सिंग व फार्मकेयर की शिक्षा प्राप्त कर छात्र छात्राएं प्रदेश व पड़ोसी राज्यों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। संस्थान द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रशिक्षित फैकल्टी उपलब्ध है। इसके साथ साथ संस्थान पांवटा साहिब में चैरिटेबल अस्पताल भी चला रहा है। संस्थान भविष्य में भी बेहतरीन स्वास्थ्य शिक्षा पर सेवाएं प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है।